देखिए हम अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं पूछने, देखिए क्या। प्रदीप जी, प्रदीप जी चॉइस कीजिए आप। इसमें देखिए हम दही डाल रहे हैं, कटा हुआ बारीक टमाटर डाल रहे हैं, कटा हुआ हम आलू कद्दूकस कर रखे थे वो हम डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे, इससे इसका जो है लुक अच्छा आता है। इसको चारों तरफ से मिला लीजिएगा। अब कटी हुई बारीक प्याज डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे इसमें, कटी हुई धनिया के पत्ती डालेंगे, देखिए बारीक मैंने काट रखा है। अब इसमें जो लाल मिर्ची डालेंगे कूटी हुई, घर की कूटी ये हमारी लाल मिर्ची है, इसको हम अच्छे से सुखवा करके वास करके रखे थे। इसमें 2 चम्मच शेजवान सॉस डाल रहे हैं, जिससे ये तीखा होता है, लोगों को अच्छा लगता है और सब लोग पसंद भी करते हैं। शेजवान सॉस तीखापन तो बहुत लोग पसंद करते हैं, इसलिए अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। 2 चम्मच आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा स्वाद अनुसार। अब इसको हम चारों तरफ से इसको हम मिलाएंगे, इसका चारों तरफ मिलाने से जो नमक हमने डाले हैं वो अच्छा से मिक्स हो जाएगा उसमें चारों तरफ से। अब अच्छे ढंग से हम चला लिए हैं, इसमें हम 2 कटोरी पानी डालेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से इसको मिला लीजिए चारों तरफ से, ये जिससे घोल आपका अच्छे से रेडी हो जाए। अब बेटर देखिए आपका तैयार, हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चल रहे हैं बनाने, अब हम चल रहे हैं कढ़ाई के पास। अब मेरा बेटर तैयार हो चुका है, अब हम आ गए। देखिए इसमें हम कढ़ाई में 2 चम्मच नमक डालेंगे, अच्छे ढंग से उसको चला लीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो हम चिल्ला बनाएंगे वो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, अच्छे ढंग से आपका बन जाएगा। ये देखिए इसको हम चारों तरफ से चला लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे ढंग से चारों तरफ चला लेंगे। अब इसके अंदर हम बटर डालने वाले हैं, ये देखिए हम बटर जा रहे हैं डालने। चावल तेल को अच्छे ढंग से मिला लिए हैं, ये देखिए हम बटर डाल रहे हैं, इसको अच्छे ढंग से चारों तरफ से मिला लीजिए चारों तरफ से अच्छे ढंग से। ये हल्का हल्का मोटा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बहुत हल्का। हाँ एक चीज़ मैं आप सब कहने वाली हूँ कि क्या कहते हैं इसका गैस हल्का स्लो रहना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं रखना, ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये जल जाएगा और अच्छे अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो अब ये चारों तरफ देखिए हम इसको मिला लिए हैं अच्छे ढंग से। अब इसको हम 5 मिनट के लिए जा रहे ढकेंगे, 5 मिनट के लिए ढक दीजिए इसे। अब ये देखिए हम 5 मिनट ढके थे, अब देखिए इतना बेस्ट मेरा आया है चिल्ला, ये देखिए कितना बेस्ट कलर आया है। आप चारों तरफ देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ये। अब इसको आप चाहे जैसे भी आप पलट सकते हैं, अच्छे ढंग से पका सकते हैं। मैं आपको देखिए चारों तरफ से कितना बन। प्रदीप जी सर लीजिए, टेस्ट करिए देखिए कैसा बना है। और सही बताइएगा। वाह,